नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कक्षा का जनरल प्रमोशन होगा और कौन से कक्षाओं का नहीं होगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के विद्यालय में इस वर्ष कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं होगी, कोई भी जनरल प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों में प्रतिभा पर्व तथा प्रोजेक्ट आधारित वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन देने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए हैं, न ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, सुनिए आगे। प्रमोशन वाली बात आ रही है, इस विषय में आपको क्या कहना है? पिछले एक साल से कोरोना के कारण से हमारे 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद थे, लेकिन हमने दिसंबर से ही 9वीं और 12वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ कर दी थी। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं की परीक्षाएं बोर्ड के द्वारा संचालित होती है, उनकी परीक्षा समय पर होगी। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी होगी और किसी भी प्रकार से कोरोना के कारण से परीक्षाएं प्रभावित नहीं हो रही है। 1 से 8 तक भी हमने परीक्षा पद्धति में परिवर्तन जरूर किया है, लेकिन हम जनरल प्रमोशन नहीं देने वाले हैं। हम 1 से 8 तक का प्रोजेक्ट के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर अगली कक्षा में उनको हम प्रवेश देंगे। लेकिन जनरल प्रमोशन मध्य प्रदेश सरकार ने ना तो पहले विचार किया था, ना आगे विचार करेंगे।